मध्य प्रदेश की रीवा संसदीय सीट से सांसद जनार्दन मिश्रा अपनी सादगी के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से सांसद मिश्रा ने एक ऐसा काम कर दिया कि उनकी चर्चा हर जगह हो रही है। जनार्दन मिश्रा ने टॉयलेट में फैली गंदगी को झाड़ू लगाकर साफ कर दिया। अब उनकी सादगी भरे इस अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एमपी में एनजीटी लागू होने के बाद खदानों के बंद होने की खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है। इसके साथ ही इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सरकार रॉयल्टी जनरेट पोर्टल भी बंद करने जा रही है। खनिज विभाग के डीजीएम आईएएस अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया 30 जून के बाद से ही खदानों को बंद कर दिया गया। एनजीटी लागू होने के बाद बालू रेत की खदानें बंद हो गई है, मगर पोर्टल बंद नहीं किया गया है। पोर्टल को बंद किया भी नहीं जा सकता है। मोहन यादव कैबिनेट ने बुधवार को चैलेंजर 3500 जेट विमान की खरीदी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने 4 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त विमान की मेंटेनेंस व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कहा जिस विमान से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हवाई सफर करते थे, बताएं वह अफसर कौन था जिसने डैमेज हुए विमान का बीमा नहीं कराया था। ग्वालियर में 4 साल से एमपी सरकार का विमान डैमेज पड़ा है, सरकार इन पर कब ध्यान देगी। 8 जुलाई 2024 को भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी महेंद्र सिंह उज्जैन प्रवास के दौरान गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पिछले 1 साल से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, लेकिन वीआईपी को एंट्री मिल रही है। ऐसे में दूर दूर से शिवलिंग को स्पर्श करने और अभिषेक की इच्छा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को निराशा होना पड़ता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित कालिदास कन्या महाविद्यालय में जमकर बवाल हुआ है। ऐसे में एक विभाग के एचओडी इतने घबरा गए कि उन्होंने अतिथि शिक्षक के ही खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। अतिथि शिक्षक नरेंद्र प्रजापत का कहना था कि प्रोफेसर हरीश व्यास प्राचार्य मैडम को उनके खिलाफ भड़काते हैं। छोटे से आरोप पर शुरू हुए इस विवाद में अतिथि शिक्षक नरेंद्र प्रजापत ने प्रोफेसर व्यास को निपटाने जिंदा गाड़ देने जैसी धमकी दे डाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूसी संघ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह देश की 144 करोड़ जनता का सम्मान है। कांग्रेस हमेशा प्रदेश में रोजगार को लेकर सवाल खड़ा करती है, लेकिन उसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। इंदौर विकास प्राधिकरण ने हवाई अड्डे से रेवती गांव तक अहिल्यापथ नामक 75 मीटर चौड़ी 15 किलोमीटर लंबी सड़क को मंजूरी दी है। यह कार्बन न्यूट्रल सड़क होगा। प्रस्तावित योजना से शहर के पश्चिमी क्षेत्र में यातायात का आवागमन सुगम होगा, जिससे मध्य क्षेत्र से यातायात का दबाव और प्रदूषण भी कम होगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र को 14 जुलाई को बड़ी सौगात मिलने वाली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का एक साथ शुभारंभ करने वाले। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का एक साथ शुभारंभ करने वाले हैं। राजधानी भोपाल के नजदीकी सीहोर जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम जमुनिया पल्ली में एक किसान ने ब्रॉडबैंड फरो तकनीक से सोयाबीन की बोवनी की है। इस तकनीक से बोवनी करने पर उन किसानों की परेशानी दूर हो सकेगी जिनके यहाँ पानी की कमी है। किसान और कृषि विभाग का दावा है कि इस पद्धति से खेती करने से 14% अधिक उत्पादन होगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से रीवा सीधी में आज भारी बारिश होने का अनुमान है। अगले 24 घंटे में यहाँ 4 इंच से ज्यादा पानी गिर सकता है। मौसम विभाग ने मऊगंज सतना मियां सिंगरौली निवाड़ी शिवपुरी अशोकनगर मुरैना में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल रायसेन में बुधवार को बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।